अपने घर से अब निकल गए हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो गए थे, तो हमने शूट वहाँ पर बस शूट किया है, कुछ बताया नहीं कि हम निकल गए हैं। तो अभी गांव से बाहर निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं हम अपने मायके। तो चलिए अब मायके दिखाते हैं आपका कि मेरा मायका कैसा है और मेरा ससुराल कैसा है, सो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे लिए। तो हम अपने गांव आ गए हैं, ये देखिए मेरे गांव का नजारा। और ये सारा लीची मेरा ही है। तरुण, ये जो ट्री देख रहे हो ना लीची का, ये सब नाना का ही है। हाँ, और ये देखिए हमारे यहाँ लौकी की खेती होती है, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे मैं आके बाद में वीडियो लूंगी। ये शायद छोटू नाना का है। और अब हम आ गए अपने घर की तरफ। ये देखिए हम आ गए, ये देखिए हमारा घर, ये है मेरा घर। तो हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए यहाँ से। तो अभी अभी हम अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा, छठी मैया की।
ये हम अभी मणिपुर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से राइट साइड जाने पर केसरिया चले जाते हैं, मोतीपुर, चकिया। लेफ्ट साइड जाने पर हम लोग वैशाली चले जाते हैं। यहाँ से ही वैशाली, अगर आप जाना चाहते हैं तो वैशाली जा सकते हैं। गौतम बुद्ध का स्टेचू है ना वहाँ पे? हाँ, बुद्ध का स्टेचू है। और भारत का पहला गणतंत्र यहीं से लागू हुआ था, वैशाली से। और अशोक का अशोक स्तंभ भी है। हम लोग कल कोशिश किए थे कि वैशाली को कवर करें, लेकिन जा नहीं पाए। इतने टायर्ड थे ना छठ पूजा करने के बाद कि अब ये तो घूमने का एकदम मन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कैंसिल किया। नेक्स्ट ट्रिप में आपको वैशाली का ट्रिप दिखाएंगे हम लोग। शिवजी का टेंपल है। यहाँ मेला भी लगता था ना? हाँ, अभी शुरू हो जाएगा, अभी मेले का टाइम आ गया है, अभी मेला लगेगा। बहुत जगह से बहुत लोग आते थे मेला, सुनते थे कि रेवा। एक्चुअली वो गंगा स्नान जो है ना, कार्तिक पूर्णिमा को जो स्नान होता है वो यहीं पे होता है, तो उसी मेले के लिए, उस स्नान के लिए मेला लगता है। अभी हम लोग गंडक नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये गंडक पुल, गंगा नदी पे जैसे पुल बना हुआ है, ये नदी है। ये है गंडक नदी रिवर, और जस्ट इसी के बगल में हमारा गांव है। आपने जो छठ पूजा देखा था, इसी नदी के किनारे हम लोग छठ पूजा किए थे। तो अभी हम लोग ये क्रॉस करने के बाद इस साइड में छपरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और ये हमारा हैरियर लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से हमारा गांव तो दिखता है, लेकिन अभी कुहासे के कारण दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। छपरा से हम लोग जाएंगे आरा, आरा से फिर मोहनिया होती है, बनारस होती है आगे निकलेंगे। कर रहे हैं, ये डोरीगंज का ब्रिज है, अभी नया एक ब्रिज बना हुआ है। तो अभी ये हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हम आरा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, ये गंगा नदी, और ये तो पुल पार कर गए हैं। यहाँ से राइट लेंगे तो आरा, लेफ्ट लेंगे तो पटना चले जाएंगे। इस साइड पटना जाएंगे। और यहाँ से अभी हम लोग आरा क्रॉस करेंगे। यहाँ से कितने मिनट से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं? ऑलमोस्ट आधा घंटा से ही आरा के जाम में फंसे हुए। ऐसे ही हो रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, कहां से कहां घुस जा रहे हैं। हम लोग आरा से जब निकले थे, आरा में थोड़ा सा ट्रैफिक था, उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से गाड़ी आप चला सकते हैं। हम
हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। लोग जो लाए थे घर से वही ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, रोटी और भुजिया। खाते पीते चल रहे हैं, दोनों बच्चे भी उठ गए हैं खाने के बाद। फिर से ये लोग सोने का प्लान है शायद, है स्नेहा? और उसको छोड़ दो तुम। अभी हम लोग मोहनिया पहुंचने वाले हैं। मोहनिया पहुंचने के बाद हम लोग राइट लेंगे यहाँ से बनारस की तरफ, और वो है NH-19। तो NH-19 पे हम लोग बनारस की तरफ जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock। सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे घर से, 5 घंटा ऑलमोस्ट ड्राइविंग करते हुए हो गए हम लोग को। और ये देखिए हम लोग यहाँ से राइट लेना है, लेकिन कैसे लेना है? यूटर्न दिखा रहे हैं और अच्छा यूटर्न 1000 meters से हेड। ओके, तो आगे जाके हमें यहाँ से यूटर्न लेंगे। हो रहा है, पास में ही है। बॉर्डर है तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद जैसे यूपी आएगा तो यूपी में मैं डीजल ले लूँगा। यूपी का डीजल रेट कम है तो मैं फिर से टैंक फुल करवा लूँगा यूपी में। अभी हम लोग चंदौली क्रॉस कर रहे हैं और मोहनिया से अभी जस्ट क्रॉस किए थे। हम लोगों ने पेट्रोल ले लिया है, डीजल ले लिया था यूपी में आने के बाद। तो यहाँ पे डीजल का कॉस्ट 89 rupees समथिंग था और बिहार में वही कॉस्ट 95 rupees। तो ये देखिए, तो हमने डीजल फुल टैंक करा लिया है और या हम लोग आगे बढ़ गए हैं। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल मुगलसराय, हम लोग मुगलसराय क्रॉस कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कि हम मुगलसराय क्रॉस कर रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:20। आई थिंक चंदौली से नज़दीक में ही है मुगलसराय, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा है 20 मिनट्स में ही हम लोग मुगलसराय पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग NH-19 को हम लोग छोड़ रहे हैं और यहाँ से सर्विस रोड पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है देखिए, हम लोग मिर्जापुर होते हुए रीवा इस रोड से जाएंगे। नागपुर 728 किलोमीटर, शक्तिनगर 187 किलोमीटर, मिर्जापुर 63, रीवा 222 किलोमीटर। तो ये रोड हम लोग को पकड़ के आगे की तरफ चलना है। ये रोड हम लोग आए थे तो बहुत अच्छा रोड था, तो यहाँ से राइट जाए सीधे जाते तो हम लोग बनारस पहुँच जाते। अच्छा, लोग बनारस ना जाके जमुई, यहाँ से 12 किलोमीटर जमुई। अभी हम लोग मिर्जापुर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ आगे लालगंज, आगे लालगंज, हाँ लालगंज बिहार में भी है। रोड तो मस्त है, तो लाइट्स साइड साइड में लाइट्स लगा हुआ है। रीवा 163 किलोमीटर, नागपुर 670, हनुमाना 71। और खाना
रोड लेकिन मस्त है ना। इस होटल का नाम है डीपी होटल। बहुत देर से हमें कोई अच्छा सा ढाबा नहीं मिल रहा था। हम माना घाटी क्रॉस करने के बाद हमें एक अच्छा सा ढाबा मिला है, तो यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके हैं। इसमें यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर देंगे। जैसे हम लोग वो घाटी क्रॉस किए हैं तो उसके बाद ये रेस्टोरेंट है। ये क्या क्या है? खाने में आपको दाल मखनी मिलेगा, दाल तड़का। दाल तड़का मिलेगा, एक दाल तड़का, दो दाल तड़का, दो राइस और सब्जी। आलू परवल, पालक, आलू पालक, पनीर, मटर पनीर ना, पनीर छोड़, पनीर छोड़ के मिक्स वेज ले लीजिए। हाँ तो मिक्स वेज दे दीजिए। और कुछ छाछ रायता मिलेंगे? नहीं नहीं, वो बाद में, ये बादाम मिल्क लेंगे। ये ट्रिपरे हाँ, ये क्या है? अभी हम लोग रीवा पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम लोग मैहर की तरफ निकलेंगे। अभी सनसेट हो गए हैं, टाइम 4:20, तो 4:20 हो चुका है। और अभी तक तो लंच करने के बाद जब जो लोग निकले हैं तो अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं और बच्चे तो सोए हुए हैं, लुकमा भी 100 उठ गई है। रोड का कंडीशन अभी तक कहीं रोड ख़राब नहीं मिला मुझे, तो अपनी स्पीड पर चलते जा रहे हैं। देखिए रीवा बाईपास से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट जाएंगे तो हम रीवा शहर में पहुँच जाएंगे, हमें शहर में तो जाना नहीं है। राइट मार के शहर से बाहर है, वही हमारा आ गया क्या होटल? कौन? वो देखो जिस होटल में हम लोग रुके थे, चंद्रलोक होटल। चंद्रलोक होटल, हाँ चंद्रलोक होटल, यही हम पिछले बार रुके थे। जाते हम लोग जाते हम लोग जाते समय इसी होटल में रुके थे। अभी आगे चलते हैं, अच्छा होटल देख के रुक जाएंगे। अच्छा होटल था, हम भी मैहर बेटा मैहर। ये देखिए हम लोग अभी मैहर पहुंच गए हैं और मैहर पहुंचने के बाद हमने एक होटल ले लिया है। होटल का क्या नाम है? कस्तूरी होटल, द कस्तूरी। और ये हमारा रूम है और हमने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी लिया है क्योंकि स्नेहा भी है, तो स्नेहा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, टीवी भी है, हाँ लग गए हुए हैं। और मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन। ये देखिए ये रूम हमको 3 ऑक्यूपेंसी में 2500
प्लस ब्रेकफास्ट, मीन्स 3000 में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। ड्राइव करने के बाद ना एक अच्छी नींद चाहिए आपको, इसके लिए बेड अच्छा होना चाहिए, बाथरूम आपके लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो मुझे एक दो होटल अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जाके मैं देखी तो मुझे वो पसंद नहीं आया। फिर मैं इसका रिव्यू भी अच्छा था तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। ये हमने खुद से देखा, उसके बाद सिलेक्ट करके ओके किया है। अभी तो हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं, टाइम हो रहा है 6 o'clock, 6 बजे तक हम लोग पहुंच गए हैं। वो अभी क्या कहते हैं, क्या कूलर, कूलर वाली चाय, जो मिट्टी वाला बर्तन होता है जिसमें चाय मिलता है। अभी जाएंगे थोड़ा सा नीचे से घूम के आएंगे। हम लोग का प्लान है कि कल मॉर्निंग में 6 o'clock के आसपास में हम लोग दर्शन करेंगे। मैंने ऑलरेडी रोप वे का टिकट ले लिया है, ये देखिए रोप वे का टिकट, तो हम तीनों का चारों का टिकट ले लिए हैं। तो कल मॉर्निंग में 6 o'clock निकल जाएंगे दर्शन के लिए। ये है होटल कस्तूरी, जहाँ पे हम अभी हम लोग रुके हैं आज। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, और तो रात को डिनर हम उसी रेस्टोरेंट में कर लेंगे। और अभी तत्काल हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, मैहर एक्सप्लोर करने के लिए भी जा रहे हैं। थोड़ा देखते हैं क्या है यहाँ पे। मैहर में यहाँ पे शेयरिंग ऑटो चलता है, तो शेयरिंग ऑटो से हम लोग थोड़ा सा सिटी देखने के लिए जा रहे हैं। सिटी प्लस मार्केट, हाँ थोड़ा मार्केट देखने के लिए। ये मैहर का मेन बाजार है, हम घंटा घर चौक बोलते हैं, घंटा चौक, तो उसे हम लोग घंटा चौक पे आए हैं घूमने के लिए। बहुत सारे दुकान हैं, आप जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। क्या चाहिए, कौन सा? हाँ हम घंटा चौक से निकल रहे हैं, हम मार्केट देख लिए, अच्छा लगा पर मुकेश कुछ खरीदे। देखिए हम लोग रिक्शा किए हुए हैं, हम लोग रिक्शा से घूम रहे हैं, बहुत दिन बाद रिक्शा पे चले। हैदराबाद में रिक्शा नहीं, हैदराबाद में रिक्शा नहीं, खुला खुला साइकिल वाला फीलिंग आ रहा है। मार्केट अच्छा है ना? जब हम मुजफ्फरपुर आते थे तो वहाँ रिक्शा पर चलते थे कभी कभी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद हमने रिक्शा किया है।